कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। 24 घंटे में भारत में कोरोना के करीब 2,00,000 नए मामले सामने आए। राज्यों के जिला में भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाया लोगों में डर। भारत में बेकाबू हुआ कोरोना। महाराष्ट्र में 24 घंटे में नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 20,510 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में मिले 14,000 नए मरीज। भारत में बेकाबू हुआ कोरोना। दिल्ली में एक दिन में 17,282 नए मामले सामने आए। कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ अलग अलग राज्यों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी अवधेश जी, जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है, इसे कैसे काबू में लाया जाएगा? जी देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 19 शहरों में जो है, कहीं 19 शहरों में 19 से लेकर के 22 तारीख तक अलग अलग जगहों पर जिला प्रशासन ने जो है लॉकडाउन लगा रखा है, जिसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है। बचे हुए 21 राज्यों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन, 21 शहरों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहता है, कहीं रात्रि कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। तमाम तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जो है जिला प्रशासन द्वारा और जिला कार्यक्रम कमेटी द्वारा जो है निर्धारित किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सख्ती तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन संसाधनों की काफी कमी है और कोरोना के जो केस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि प्रतिदिन इसका आंकड़ा लगभग 2% से अधिक बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हम अब पिछले 24 घंटे की बात करें तो 44,732 जांचें हुई थी, जिसमें 21.7% नए मामले सामने आए हैं और 9,720 नए प्रकरण जो है दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल प्रकरण जो है अब 49,551 हो गए हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी चिंता जाहिर की थी कि अप्रैल के आखिर तक 1,00,000 केसेस करीब हो जाएंगे कोरोना के, तो अब वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसके लिए पर्याप्त संसाधन अभी मध्य प्रदेश के पास मौजूद नहीं है। अगर वही जैसा कि अभी आप शुरू में चर्चा कर रही थी कि हम श्मशान घाट के आंकड़ों को देखें, तो अस्पताल में लोगों को चिंता और परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही साथ उनके अंत्येष्टि को लेकर के भी काफी परेशानी का सबब जो है बना हुआ है। अगर हम केवल भोपाल की बात करें तो भोपाल में 3 जगह ऐसे है जहाँ कोविड की अंत्येष्टि होती है या उन्हें दफनाया जाता है। भदभदा में केवल अगर हम 13 अप्रैल की बात करें तो 47 शवों का जो है अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सुभाष नगर में 28 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि कब्रिस्तान जहांगीर में जो कि स्थित है वहां पर जो है 9 शवों को दफनाया गया। तो इस तरीके से एक दिन की अगर हम केवल बात करें तो एक दिन में कुल वहां पर 84 लोगों का अंत्येष्टि हुआ या उन्हें दफनाया गया, जबकि जिला प्रशासन के जो आंकड़े हैं वो महज भोपाल में 5 लोगों को बताते हैं। और बात करें तो मध्य प्रदेश में 40 लोगों की मृत्यु बताई गई, जबकि 84 लोगों का अंतिम संस्कार या दफनाने की जो प्रक्रिया है वो केवल भोपाल में होती है। तो इस स्थिति को देख करके स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह स्थिति है और शासन और प्रशासन किस तरीके से आंकड़ों को छिपा रहा है या आंकड़ों की बाजीगरी इस मौके पर भी खेल रहा है। जी अभिषेक जी, क्या कहेंगे आप, वहां पर शवों का जो जहां पर दाह संस्कार होता है वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है इस समय? यहां बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाकायदा जहां पर दाह संस्कार होता है क्रिमेशन सेंटर्स पर, इलेक्ट्रॉनिक क्रिमेशन सेंटर्स पर बाकायदा टोकन वितरित किया जा रहा है, क्योंकि तादाद इस कदर बढ़ गई है कि महज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ही कई क्रिमेशन सेंटर्स में स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक क्रिमेटिंग मशीन इंस्टॉल की गई है। तकरीबन 5 मशीनें एक जगह पर और 3 मशीनें एक जगह पर, बाकी जगहों पर भी इंतजाम किए जा रहे हैं कि वहां पर भी क्रिमेटिंग मशीन इंस्टॉल की जाए ताकि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़े। और आलम यह है वहां पर बाकायदा टोकन बटकर लोग लाइनों में खड़े हैं
और अपने परिजनों के अंतिम संस्कार का समय आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब मशीन खाली हो और वो लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर पाए। तो निश्चित तौर पर ये डराने वाली स्थिति है, भयावह स्थिति है राजधानी लखनऊ की। साथ ही साथ इंतजाम किए जा रहे हैं बड़ी तादाद पर, आज भी लखनऊ में तकरीबन 80 से ज्यादा वेंटिलेटर्स के इंतजाम किए गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी शामिल किया जा रहा है, साथ ही साथ नए आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी फिलहाल कोरोना से ग्रसित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात की जाए, बाकी पॉलिटिकल जो नेता हैं उनकी बात की जाए, राजनीतिक दलों के, वो कोरोना से ग्रसित हैं। 2 दर्जन से ज्यादा IAS ऑफिसर्स, बड़े आला अधिकारी, उनकी बात की जाए वो कोरोना से ग्रसित है। विभागाध्यक्ष और विभाग सचिवालय की बात की जाए तो बड़ी तादाद वहां भी समीक्षा अधिकारी कर्मचारी और फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज भी बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमण से ग्रसित है। तो कहा जाए कि लगभग 50% जो सरकारी कर्मचारी हैं वो धीरे धीरे इसकी चपेट में आ गए हैं। और यही वजह है कि लखनऊ में नाइट लॉकडाउन भी चल रहा है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। और लगातार अपील के बाद भी फिलहाल निर्वाचन आयोग की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि जो भी पीठासीन अधिकारी, कर्मचारी, पोलिंग सेंटर्स अधिकारी जो भी पहुंच रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वो पूरी तरह से एहतियात बरतें, और ना सिर्फ डिस्टेंस का बल्कि वहां पर सैनिटाइजर, मास्क और बाकी इंतजाम किए जाए ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के पहले हम आपको बता दें कि कोरोना का त्राहिमाम बहुत ज्यादा बना हुआ है, किस तरह से नियंत्रण में लाया जाए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर विचार कर रही हैं। कई तरह के जो नुस्खे हैं, जो भी राय है, मशवरा है, संबंधित अधिकारी से बात कर रहे हैं। फिलहाल आगे क्या होगा और आंकड़े कितने बढ़ेंगे या इसमें किस तरह से कमी लाई जाएगी, रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है, इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें, मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हां, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें, इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरह से कोरोना का कहर लगातार जारी है, प्रशासन और शासन कई तरह के पैतरे आजमा रही है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी कोरोना को रोकने के लिए कई सारे पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जो कोरोना का रिकॉर्ड है वो बढ़ता जा रहा है। इसी बात को लेकर हम पहुंचेंगे अभिषेक के पास। जी अभिषेक जी, जिस तरह से शमशान घाटों में इस तरह की त्राहिमाम मची हुई है, शवों की कतारें लगी पड़ी हैं और आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरह शमशान घाटों में प्रशासन क्या करेगा, किस तरह के इंतजाम करेगा? बिल्कुल, क्या पहले कैसे लखनऊ में इस तरह की भयानक स्थिति उत्पन्न हुई
और ये अंदाजा नहीं था किसी को कि शमशान घाट और कब्रिस्तानों के बाहर टोकन बांटने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिमेशन सेंटर्स की बात की जाए, वहां पर इतने इंतजाम नहीं किए गए थे कि अगर इस तादाद में मॉर्टेलिटी रेट बढ़ता है, लोगों की मृत्यु होती है कोविड से, तो उन्हें शमशान घाट पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रिमेटिंग डिवाइस लगी है वहां पर कितनी जल्दी से जल्दी वहां पर इंतजाम हो पाएंगे। लिहाजा आनंद फानन में तकरीबन 5 और क्रिमेटिंग मशीन लगाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक क्रिमेटिंग मशीन, और उसके अलावा 2 और इंस्टॉल की जा रही है भैंसाकुंड में, जिसकी तस्वीरें के न्यूज ने दिखाई थी कि कैसे वहां पर टोकन लगाकर लोग मौजूद हैं। सुबह 9 बजे से रात को 12 बज जा रहा है और वो अपने परिजनों का दाह संस्कार नहीं कर पा रहे, 24 घंटे की लाइनें लग रही हैं। और यही वजह थी कि उस तस्वीरों ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। और ये बात साफ थी कि आंकड़े कहीं से छुप नहीं रहे हैं, क्योंकि जो ये स्ट्रेन आया है इसकी वजह से ना सिर्फ 24 घंटे में लोग दम तोड़ दे रहे हैं, बल्कि ये भी बड़ी बात यह है कि जब तक लोगों को एहसास हो रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या उनके अंदर सिम्टम्स है, तब तक उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे सांस की दिक्कत आ रही हो या बाकी परेशानियां आ रही हो, अस्पताल पहुंचते पहुंचते लोगों ने दम तोड़ा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े डराने वाले हैं, जैसा कि हम न्यूज पर दिखा भी रहे हैं कि कैसे मौतों के आंकड़े सिर्फ राजधानी लखनऊ में इस कदर बढ़ गए हैं। और फिलहाल शासन प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं कि वहां पर लकड़ियों का इंतजाम ज्यादा से ज्यादा हो पाए, क्योंकि जो नॉर्मल लोग भी आते हैं शमशान घाट पर वो भी अपने परिजनों के शवों का दाह संस्कार अंतिम संस्कार कर पाए, लिहाजा उनके लिए एक अलग व्यवस्था की जा रही है कि उनका जो एग्जिट और एंटर पॉइंट है वो बदला जा सके, ताकि वो किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज या उनके तीमारदार जो वहां पर मौजूद है उनसे संपर्क में ना आ पाए। लिहाजा वहां पर भी इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए अलग क्रिमेटिंग सेंटर्स बताए जा रहे हैं, जहां पर अलग से इंतजाम किए गए हैं। लकड़ियों की भी बात सामने आई थी, लेकिन फिलहाल बड़ी तादाद में लकड़ियां व्यवस्थित की गई हैं राजधानी लखनऊ में, ताकि इसकी बदलजामी ना हो पाए। साथ ही साथ क्रिमेशन क्रिमेटिंग सेंटर्स की तादाद बढ़ाई। हमारे साथ संजय यादव जुड़े हुए हैं। जी संजय यादव जी, बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में नियमित रूप से कोरोना के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो इस पर नियंत्रण कैसे लगेगा? नियमों को लोगों को पालन कराने के लिए जागरूक कर रहे हैं और लगातार संक्रमितों की मरीज जो है उनकी संख्या भी बढ़ रही है। इसको लेकर सरकार और प्रशासन भी गंभीर नजर आ रही है। इसको लेकर तमाम तरह से लॉकडाउन लगाया गया है और लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। तो अभी जो लॉकडाउन लगा है इसमें लोग कुछ जागरूक भी हो रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लापरवाही पूर्वक घूम रहे हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और जगह जगह चौक चौराहों पर उन्होंने जुट कर आने जाने वाले लोगों को भी पूछ रहे हैं। अनावश्यक जो काम से जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनको रोक कर उनसे पूछा जा रहा है, और जरूरी काम है तभी आप बाहर निकल सकते हैं। तमाम प्रयास और लॉकडाउन और इस तरह से अगर हम जागरूक होंगे तो बिल्कुल ही जो संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। जी जी, जिस तरह से आपने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तो जो जब हम सभी सड़क पर चलते हैं तो जो बच्चे जो सड़क पर भीख मांगते बच्चे हैं वो आकर कहीं गाड़ी साफ करने लगते हैं, तो कहीं भीख मांगने लगते हैं, कहीं आसपास घेर कर खड़े हो जाते हैं, छूने लगते हैं, तो प्रशासन इस तरफ कैसे ध्यान दे रहा है? क्या इनसे संक्रमण नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी में तो वही बच्चे वही लोग रह रहे हैं, इनके लिए क्या इंतजाम है? बिल्कुल, प्रशासन अभी नगर निगम जो बिलासपुर है वो भी एक नंबर जारी किया है, और जो लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं, गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके लिए प्रशासन की ओर से निगम की ओर से फूड पैकेट का भी मुहैया कराया जा रहा है, जो और समाज सेवी जो संस्था है वो भी प्रशासन से अनुमति लेकर उनको बांटा जा रहा है। साथ ही हम चौक चौराहों पर छोटे बच्चे और जो जरूरतमंद है वो गाड़ियों को साफ करते हैं और जगह जगह चौकों में पैसा मांगते हैं अपने पेट पालने के लिए, उनको भी अभी सरकार उनको और जो बिलासपुर और जो छत्तीसगढ़ के जो प्रशासन है वो भी उनको रोक लगा दिया, उनके लिए बिल्कुल जहां पास रहते हैं वहां भोजन भी मुहैया करा रहा है ताकि वो रोड पर अनाहक भीड़ न लगाए। जी हमारे साथ दिल्ली से चंदन झा जुड़े हुए हैं। चंदन जी, आपका क्या कहना है? क्या सच में उन बच्चों के लिए उन लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं और जिस तरह की जो घटनाएं और जो चित्र हम आए दिन फेस करते हैं, ऐसा हमको नहीं लगता कि प्रशासन इस तरफ पर कोई फोकस कर रही। जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है अभी का टाइम जो है
कोरोना काल का है और ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे जो लोग हैं जब सिग्नल पे गाड़ी साफ करने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं सेकेंड फेज है कोरोना का, कोरोना काल का जो सेकेंड फेज है वो काफी भयावह है, काफी खतरनाक है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर कोई अभी कोरोना से संक्रमित है और बिना मास्क के भी अगर उससे मुलाकात करता है, मिलता है, तो एक मिनट के अंदर ही वो संक्रमित हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से सिग्नल्स पे जो लोग गाड़ी साफ करने आ जाते हैं, जो बच्चे गाड़ी साफ करने आते हैं, हालांकि दिल्ली के अंदर ऐसी चीजें काफी कम होती है लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं हुई है। आप सभी जानती हैं कि जिस तरीके से जो केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, दिल्ली के अंदर 17,283 केसेस हैं लगभग पिछले 24 घंटे में, और 104 डेथ्स जो है रिपोर्टेड है। और जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो डिग्निट्रीज हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि बेवजह आप घर से बाहर हैं और किसी भी तरीके से जो भी कंटेमिनेशन है, जो भी कंटेमिनेटेड लोग हैं, अगर आप उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनके मतलब संपर्क में कहीं से कहीं तक ना आए, क्योंकि ये जो सेकेंड फेज है कोरोना का वो काफ़ी खतरनाक है। और आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी काफ़ी लोग संक्रमित हो रहे हैं। जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी आपका शुक्रिया, अभिषेक जी आपका शुक्रिया, और आप सभी का शुक्रिया, संजय यादव जी आपका शुक्रिया। तो इस तरह हम बता रहे थे कि कोरोना जो है किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ रहा है, देश में कोरोना के जो केस हैं लगातार बढ़ने में लगे हुए हैं, किस तरह से इसको काबू में पाया जाए, प्रशासन और शासन की तरह से पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर बढ़ रहा। सेवा और सुशासन से योगी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी। बीती सरकारों में जो नहीं हुआ वो योगी सरकार ने कर दिखाया है। 1,52,000 से अधिक कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। 19,40,000 महिलाओं को रक्षाबंधन पर निशुल्क बस यात्रा कराई। इंसेफ्लाइटिस में 75% की कमी, मृत्यु दर में 95% की गिरावट। निवेशकों को SGST से 200-300% तक की छूट। जेवर, कुशीनगर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले चिड़ियाघर का निर्माण। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की स्थापना और संचालन। कोरोना काल में वर्चुअल क्लास से शिक्षा की व्यवस्था। ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में 24 घंटे में सुधार को सेवा और सुशासन से योगी सरकार ने मुमकिन कर दिखाया है। सेवा और सुशासन के 4 साल। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, IPL में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है, यहां आम नहीं बबूल उगता है,
यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं सोनाली तोमर और आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव का पहला रन। वहीं इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पंचायत चुनाव में दिखा लोगों में ये उत्साह। 105 वर्षीय श्री राम ने लोनी ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग।